बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बली का झंडा। कौन कौन मानता है बालाजी महाराज को? आज आपके इस प्रेम भरे भाव को देखकर एक बात क्या तू, नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं लग रही और हमारा राठौर भी वृंदावन से कम नहीं लग रहा है जनाब। उठा लो लंबे लंबे हाथ जो बालाजी महाराज को मानता है और कह देना लहर लहर लहरा रे। उनके हाथ और जो बजाएगा ताली 12 महीने बनाना दिवाली और जो लगाएगा जयकारा हमेशा बनना सहारा बोले साला सर काम की। रावण की लंका जलाए मुझे लगता है। अरे अभी बैठ जाओ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बैठ जाओ। मुझे लगता है हम तो टेली जय हो बोलते हैं लेकिन आज भक्तों की आवाज आनी चाहिए। हाथ का इशारा समझना, जब हाथ उठाऊ तो जय हो आपके हम चाहिए। किस चीज की आएगी हाथ उठाकर बताओ जरा, आएगी सबकी आएगी। भैया किस चीज आएगी हाथ उठाकर बताओ। लहर लहर लहराए रे, ये राठौर की चीख नहीं हो सकती। राठौर वाले जब रोड़ा पड़ते हैं तो कुरुक्षेत्र तक आवाज आती है, आवाज आनी चाहिए ना सबकी। लहर लहर लहराए रे, और चुना से हाथ ऊपर ना भी बल्ले बल्ले तो चालो लंबे लंबे हाथ से बल्ले वाली ताली बजाएंगे। राठौर में आकर क्या किया पता है?
और भक्तों की नगरी बनाए रे। कौन कौन बिगड़ी बनाएगा बाबा के हाथों, उठा देना लंबा लंबा हाथ। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। और जहाँ राम जी का कीर्तन होता है वहाँ बालाजी महाराज पता क्या करते हैं, झम झम बैठे ना, ये देख लो पहले इनकी आवाज आए, पीछे वाले मत बोलना राम राम सिया राम। अब आप चुप रहना, पीछे वालों की आवाज आनी चाहिए, देखो सबकी आनी चाहिए, किस चीज की आएगी, राम राम सिया राम। एक बार आगे वालों बताओ कैसे गाते हैं, राम राम सिया राम। देख लो भाइयों और बहनों, चकला बिल्लन सेम है लेकिन फर्क ये है आप आराम से चला रहे हैं, जोर से चला रहे हैं। एक और मौका दे दे एक और मौका। अरे रोड़ा मजाक बता दो, दे दे क्या। देख लो मुझे और चकला बिल्लन दाव बोला पीछे वालों को, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, चार लाइनें आपके रादौर के लिए। कह दू क्या? देखो सुस्ती वाली बात नहीं चलेगी, लगभग 2 घंटे का कीर्तन है, इसके बाद क्या पता ये रात कब आएगी, लेकिन ये 2 घंटे तो पूरा आनंद लेना चाहिए ना। दे चार लाइनें बोल दू। इंसान कहे मैं बड़ा तो धरती पर क्यों पड़ा, धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों पड़ी, शेषनाग कहे मैं बड़ा तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा, भोलेनाथ कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के हत्थे क्यों चढ़ा, बाली कहे मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, और राम कहे मैं बड़ा तो रादौर वालों के पीछे क्यों पड़ा।